दोस्तों क्लास 11th मैथ्स जो है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड जो है आपका त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो आप जो है 9th 10th में भी थोड़ा बहुत देखे होंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपना जो क्लास 11th में है, फिर से हम लोग पूरा बेसिक से थोड़ा इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोण क्या होता है। कोण को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। हालांकि आप लोग को पता रहता है कि कोण क्या होता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। हमारा क्या होता है कोण, कोण को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि कोण होता क्या है। एंगल, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर कोई डिस्टेंस जो है दूरी चल रहा हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि ये 5 किलोमीटर है या 50 मीटर है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो है दूरी हम लोग बताते हैं, तो उसका मात्रक होता है मीटर किलोमीटर। ऐसे ही अगर आप देखिए कहीं पे ऐसी कंडीशन हम लोगों को आ जाती है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ये लाइन सेगमेंट है, या इसको हम लोग किरण भी बोलते हैं, ये हमारा है, ये किरण हमारा है। अब ये सपोज करिए कि यहाँ पे जो है आप खड़े हैं और यहाँ पे जो है आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। अब अगर ये आपका दोस्त जो दूरी है ओ से ए, यानी आपके और आपके दोस्त के बीच की दूरी नहीं बदलती, लेकिन आपका दोस्त जो है क्या करता है अपनी स्थिति को बदल के यहाँ पहुंच जाता है, यानी अब आप इसकी पुरानी स्थिति को जब मिलाते हैं तो ये यहाँ पे है, ये पॉइंट बी हम लोग मान लेते हैं। यानी अगर बात किया जाए तो ओ ए जो है वही दूरी ओ बी है, यानी ए से जो है बी चला गया हमारा पॉइंट ये। लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन हमारा जो है, ये किरण हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्न हो गया। किरण हमारा क्या हो गया, टर्न हो गया। ओ ए था पहले, ये प्रारंभिक किरण था, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक किरण। और ये है अंतिम किरण, या किरण या अंतिम स्थिति बोल देते हैं हम लोग, प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टर्न हो रहा है, ये लाइन टर्न हो रहा है। अब जैसे वही हमारा ओ और ए वही था, मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है। तो ये हमारा जो घड़ी चलता है, घड़ी घड़ी की सुइयां हम लोग देखते हैं किधर चलता है, ये इस डायरेक्शन में चलता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिणावर्त डायरेक्शन, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और जो घड़ी की विपरीत दिशा में जो चीज चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये अब की हमारा ये पॉइंट ए घड़ी की विपरीत दिशा में मूव किया है, ये अगर हमारा बी यहाँ पे मूव कर जाए, यानी प्रारंभिक स्थिति हमारी ये है और अंतिम स्थिति ये है। इसका मतलब अब क्या हुआ, ये लाइन हमारा किस दिशा में टर्न हुआ, ये जिस दिशा में घड़ी चलती है, और ये हमारा क्या हो गया, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में टर्न हुआ। तो कोई भी किरण या लाइन जब टर्न होती है, उस टर्निंग को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोण। ये जो है कितना टर्न हुआ है, ये यहाँ से यहाँ टर्न हुआ, इस टर्निंग को बताने के लिए हम किस पॉइंट का यूज करते हैं, कोण का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो ओ बिंदु होता है, जिस पॉइंट के अबाउट टर्निंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो सिंपली जो है कोण हम लोग क्या कहेंगे, एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परिता घूमने पर बनता है। ये किरण हमारा ओ ए है, अपना प्रारंभिक बिंदु ओ ए के परिता जो है, ये देखिए ओ ए के परिता, ये ओ के परिता, ये हमारा किरण क्या हो गया, घूम के बी पर पहुंच गया। ओ ए से क्या हो गया, ओ बी हो गया। तो कोण को हम लोग क्या कहेंगे, कोण वह माप है जो हमारा कोई किरण घूमती है। तो एक लाइन हम लोग पहले इसमें लिख लेते हैं कि एक कोण वह माप है जो जो एक किरण जो एक किरण के उसके
उसके प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु के परिता घूमने पर बनता है। यानी हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि एंगल जो कोण क्या होता है कि जो कोई भी किरण होता है अपने प्रारंभिक बिंदु के परिता जब वो घूम जाती है तो वो कितना घूमी है इस चीज को बताने के लिए। जैसे ये ओ ये यहाँ पे था, ये ओ बी हो गया, इतना घूमा और थोड़ा घूमता ये हो जाता है, ये घूमता ऐसे घूमता चला जाता, तो ये कितना घूमा है उसको बताने के लिए हम लोग किस पॉइंट का यूज करते हैं, किस एंगल, इसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, कोण। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और होता है कि अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जो है रोटेशन हुआ, यानी किरण हमारे जो घड़ी जिस दिशा में सुइयां चलती है उसकी विपरीत दिशा में है, जैसे ये देखिए हमारा ये किरण ओए से ओबी, ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण। ये हमारा हो गया ये पहला कंडीशन, ये क्या होता है धनात्मक कोण, पहले स्थिति होगी हमारी क्या, ये धनात्मक कोण बोला जाएगा जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी है, ये क्या है धनात्मक कोण। और ये सेकंड स्थिति है हम लोगों की, इसको क्या कहेंगे, ये ऋणात्मक कोण है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं उसकी विपरीत दिशा में घूमेगी तो धनात्मक कोण, और अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी तो उसमें क्या होगा, ऋणात्मक कोण होगा, क्योंकि ओए से ओबी जो है, ओए जो है किरण इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है, तो इधर घूम गया इतना या इधर घूमा है कि इधर घूमा है आप ये बताने के लिए प्लस और माइनस का यूज करेंगे, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो ये पहला पॉइंट हो गया, तो वामावर्त इसको बोलते हैं, इसको वामावर्त घूर्णन बोलते हैं, वामावर्त घूर्णन। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोलते हैं, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन इसको बोलते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट हम लोगों का हो गया कि कोण किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोण को मापते कैसे हैं, कोण को मापा कैसे जाता है। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, कोण के मात्रक। यानी हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट्स ऑफ एंगल, यानी जो कोण का जो है मात्रक क्या होगा। जैसे दूरी का मात्रक हम लोग देखते हैं क्या होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब होता है, ऐसे ही हम लोग जो है ये जो रोटेशन है, कोई रोटेट होता है कोई किरण, तो ये कितना रोटेट हुआ इसको हम लोग कैसे मापते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, सिंपल सा है कि कोई किरण जो है, ये हम लोग मान लेते हैं ये किरण है हमारी ओ और ये हमारा ए है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, मान लेते हैं रोटेट होके यहाँ पहुंचा, फिर और रोटेट हुआ, तो ये रोटेट होके ये घूमते 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 यहाँ से ये पूरा एक चक्कर लगा दिया, यानी ये ओ ए हमारा ये घूमना शुरू किया, यहाँ से ये जो है पूरा ये घूमते घूमते कितना घूम गया, ये पूरा OA और OB दोनों क्या हो गया, सेम, ये पूरा एक चक्कर लगा दिया, तो OA और OB हमारा सेम हो गया। तो इस में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गया आपका, एक चक्कर हो गया। यानी जो है मापने के लिए कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कि एक चक्कर हो गया। तो फिजिक्स में आप लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग कहेंगे कि 10 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कोई भी जो है व्हील वगैरह जो गति कर रहा होगा तो आप क्या कहेंगे कि 10 चक्कर प्रति सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 10 चक्कर। तो ऐसे भी हम लोग कोण का मात्रक लिख सकते हैं चक्कर में। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं मैथ में, हमारे दो मात्रक होते हैं कोण के, एक होता है हमारा जो है आप पढ़ते हैं डिग्री,
कोण का मात्रक एक होता है डिग्री माप, जैसे आप कहते हैं 30 डिग्री, 50 डिग्री, ये। और एक दूसरा अभी आप लोग पढ़ते हैं रेडियन, जैसे पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। तो ये दो होता है हमारा, डिग्री माप और रेडियन माप। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री माप और रेडियन माप। अब डिग्री माप हमारा क्या होता है और रेडियन माप हमारा क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना डिग्री माप। डिग्री माप हमारा जो होगा, डिग्री मेजर, तो ये हमारा प्रारंभिक किरण है। हम लोग जो है सपोज करते हैं कि ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमारा जो है ओ ए, अगर जो है ये घूमेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, ए पॉइंट को अगर देखा जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ऐसे ये वृत्त बनाएगा। यानी ओ ए हमारा घूम के कहाँ पहुंच सकता है, यहाँ पहुंच सकता है, फिर यहाँ कहीं पहुंच सकता है, फिर ऐसे ऐसे ये रोटेट करता जाएगा। यानी ये अगर यहाँ से यहाँ पूरा घूम के फिर यहाँ पहुंच जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एक चक्कर हो जाएगा। तो एक चक्कर जब पूरा जो रोटेशन हो जाता है तो इसको हम लोग एक चक्कर को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। एक चक्कर जब हमारा पूरा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री हो गया। एक चक्कर हमारा जो है क्या हो जाता है, ये 360 डिग्री। यानी कोई जो है रोटेशन कर रहा है कोई किरण, तो एक चक्कर अगर रोटेशन पूरा कर लिया तो उसका कितना बोला जाएगा, कितना कोण उसने बनाया, 360 डिग्री, इतना कोण बना लिया उसने। ये 360 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये बहुत पहले की बात है। जो है प्राचीन समय में ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये हमारा हो गया, ये पृथ्वी, और सूर्य जो है क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये पहले माना जाता था बहुत साल पहले, 2000 साल पहले, कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और सूर्य जब पृथ्वी का, ये सूर्य हमारा हो गया, सूर्य जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं। तो उन लोगों ने माना कि ये कितने दिन में लगभग हो जाता है, 360 दिन में। एक चक्कर जो है, एक चक्कर होता है वो कितने दिन में हो जाता है, 360 दिन, रफली माना गया 360 दिन, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक चक्कर जो पूरा रोटेशन होता है उसको 360 डिग्री माना गया। ये वहां से हमारा 360 आया है। यानी 360 डिग्री हमारा क्या हो गया, एक चक्कर हो गया। यानी एक चक्कर हमारा अगर पूरा 360 डिग्री है तो पूरे अगर एक चक्कर जो में जितना कोण बन रहा है इसको 360 बराबर पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो अगर सिंपली हम लोग पूछें कि 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री जो है कोण, 1 डिग्री कोण क्या होगा, तो 360 डिग्री एक चक्कर, तो 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री हो जाएगा 1/360 चक्कर। यानी कि एक चक्कर का 360वां भाग अगर कोई कवर करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसने कितना कोण कवर किया, 1 डिग्री। यानी हमारा 1 डिग्री कोण क्या होता है, 1 डिग्री कोण, कोण 1, एक पूरे चक्कर का, एक पूरे चक्कर का 360वां भाग होता है। यानी पूरा ये कंप्लीट चक्कर अगर यहाँ से यहाँ जो है पूरा यहाँ से यहाँ आ जाए तो क्या बोला जाएगा, ये कितना, एक चक्कर हो गया। और इसका 360वां भाग, यानी पूरे एक चक्कर को 360 बराबर पार्ट में जो है डिवाइड कर दो तो उसको एक चक्कर को 1/360 चक्कर जब हो जाएगा, यानी एक चक्कर का 360वां भाग, तो उसको क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री कोण।
ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गया कि एक डिग्री क्या होता है। तो सिंपली एक डिग्री क्या होता है, एक चक्कर का 360वां भाग। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई चक्कर लगा रहा है तो वो पूरा पूरा एक डिग्री ही लगाएगा। तो अगर एक डिग्री से छोटे कोण को नापने के लिए, एक डिग्री से छोटे कोण को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पर देखिए, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा ए और ये हमारा बी हो गया। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ये कोण 1 डिग्री है। ये कोण कितना है हमारा, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री जो पूरा घूमा है उसको 60 बराबर भाग में आप क्या कर दें, ब्रेक कर दें, 60 बराबर भाग में ब्रेक कर दें। तो एक भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट। यानी हम लोग जो 1 मिनट डिफाइन करते हैं, एक या 1 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 60 मिनट। यानी 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 60 मिनट। और एक डैश लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 60 मिनट। यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो ये छोटा माप हो गया। जैसे लंबाई के लिए हम लोग देखते हैं, 1 मीटर को 100 बराबर भाग में बांट देते हैं और एक छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में डिवाइड कर दिए और एक छोटे भाग को क्या बोले, 1 मिनट। यानी 1 मिनट हमारा जो होता है, 1 मिनट क्या होता है, ये 60 से डिवाइड कर दें तो 1/60 डिग्री। यानी अगर एक लाइन इसमें हम लोग लिखें तो 1 मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट कोण 1 डिग्री, 1 डिग्री कोण का 60वां भाग होता है। यानी अगर छोटा कोण होगा तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ऐसे ही अब जो एक छोटा सा जो आपका आएगा, 1 मिनट जो आया है, यानी 1 डैश, इसको हम लोग 60 बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 डैश को हम लोग क्या कहेंगे, 60 सेकेंड। ठीक है, ये क्या लिखा है, 1 मिनट, इसको क्या पढ़ा जाता है, 1 मिनट। और डबल डैश लग गया तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 60 सेकेंड। यानी 1 मिनट जो कोण होता है उसको 60 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे और एक छोटे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। यानी 1 सेकंड हमारा जो होगा, 1 सेकंड होता है 1/60 मिनट, ये हमारा होता है। तो ये सिंपल सा हम लोगों का हो गया कि 1 डिग्री जो कोण होता है उसको हम लोग 60 मिनट बोलते हैं, और एक डैश लगा रहता है तो वो मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। ये हमारा जो 1 मिनट या 1 सेकेंड है, यहाँ पे समय का मात्रक नहीं है, ये क्या है, कोण का मात्रक है, कोण का मात्रक है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट कोण का मतलब कि 1 डिग्री का 60वां भाग उसने जो है रोटेट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट। और 1 मिनट के 60वें भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। अब हम लोग जो है कुछ कोण देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक जो पूरा चक्कर होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर हमारा होता है 360 डिग्री। यानी अगर ये OA है और ये पूरा हमारा घूम के फिर यहाँ यहाँ पे चला जाता है, यानी ए पॉइंट बी पॉइंट एक ही हो जाते हैं, तो ये हमारा कोण कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया। अगर कंप्लीट चक्कर हमारा पूरा इतना हुआ, अगर ये हमारा ओ है, ये ए है और ये घूम के जो है घूम रहा है, घूम के यहाँ पहुंच गया जस्ट अपोजिट, ये ओ है ये बी है, तो ये पूरा एक चक्कर लगा देता तो 360, ये आधा चक्कर लगाया है तो कितना हो जाएगा, 360/2, यानी 180 डिग्री हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा ये हो गया बी, यहाँ पहुंच गया घूम के, ओ ए से ओ बी हो गया। तो ये पूरा अगर यहां से यहां घूमता तो 180, उसका आधा घूमा है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग देखें कि ये हमारा ओ है,
ये हमारा ए है, ये बी है, घूम के यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इतना अगर यहाँ तक चलता तो 180, और उतना और चला है कितना 90, तो 180 प्लस 90 ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। ये 360 हम लोगों ने देख ही लिया। ऐसे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये जो है घड़ी के चलने की दिशा के हिसाब से रोटेशन होगा तो यही कोण क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ओ ए जो है प्रारंभिक स्थिति है, ओ बी यहाँ पे ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंचा, तो ये कितना कोण बनाया, -90 डिग्री। ये हमारा ओ ए है और ये हमारा ओ है, ये बी है, ये घूम के घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में घूम के ये पहुंचा, तो ये कितना हो जाएगा -180 डिग्री। तो माइनस प्लस सिंबल में बस हमको इतना मतलब है कि अगर जो है घड़ी की विपरीत दिशा में कोई किरण टर्न हुआ है तो धनात्मक होगा, और घड़ी की दिशा में टर्न हुआ है हमारा तो क्या होगा, ऋणात्मक कोण होगा। तो ये कुछ कोण हम लोगों ने देख लिए। तो धनात्मक मतलब क्या हो गया कि ये अगर ओ ए हमारा प्रारंभिक स्थिति है और ओ बी हमारा अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, तो ये रोटेशन हमारा इस दिशा में हुआ तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर आपका कहीं ऐसा हुआ है कि ओ ए हमारा, ओ ए ये था और ये घूम के इधर से आया है, ओ बी हो गया, तो ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम अगर है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोण ऋणात्मक होगा। बस इतना ही हो गया। तो डिग्री को हम लोगों ने समझ लिया। डिग्री क्या होता है, एक चक्कर का 360वां भाग, यानी पूरा एक चक्कर हमारा क्या हो जाता है, 360 डिग्री। और एक डिग्री को हम लोग 60 बराबर भाग में बांटते हैं, और एक डिग्री बराबर हम लोग क्या कहते हैं कि 60 मिनट। ये मिनट क्या होगा, ये टाइम का मात्रक नहीं है, ये क्या है, कोण का मात्रक। और एक मिनट क्या होता है, 1/60 डिग्री, यानी एक मिनट हमारा क्या होता है, 1/60 डिग्री, यानी एक डिग्री का 60वां भाग। फिर एक मिनट को हम लोग क्या करते हैं, 60 बराबर भाग में बांटते हैं और 60 सेकंड बोलते हैं, या 1 सेकंड बराबर हमारा क्या होता है, 1/60 मिनट। तो ये सिंपली हम लोगों का क्या हो गया, डिग्री, कोण का मात्रक, ये हम लोगों ने क्या देखा, डिग्री। अब हम लोग अगला मात्रक पे आते हैं कोण का हमारा जो होता है, रेडियन, रेडियन माफ, कोण का जो मात्रक हम लोगों का आप देखेंगे ये होता है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, रेडियन की हिंदी इंग्लिश सेम होती है लेकिन कोण का एंगल होता है। तो दूसरा कोण हम लोगों का जो मापने का तरीका वो क्या होगा, रेडियन होगा। अब रेडियन को हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन किया जाता है। ये मान लेते हैं हम लोग हमारा ये कोई वृत्त है, क्योंकि जब ये किरण घूमेगी तो ये पूरा जो है, ये जो ए बिंदु क्या है, ये वृत्त ही बनाएगा, ओ ए, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब ए हमारा रोटेट कर रहा है और ये हमारा कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो अगर हम लोग मान लें कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 1 इकाई है, 1 इकाई का मतलब कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर या 1 मिलीमीटर आपने माना है, वृत्त का केंद्र ओ है और त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई। तो त्रिज्या 1 इकाई है, तो 1 इकाई चाप, 1 इकाई लंबाई का ही चाप, जितनी त्रिज्या है उतनी 1 इकाई लंबाई का चाप जो है, यानी ये केंद्र पे जो कोण बनाता है वही हमारा क्या हो जाता है, 1 रेडियन। 1 रेडियन हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा वृत्त लें जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, तो उसमें जो 1 इकाई लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाता है वही हमारा क्या हो जाता है, 1 रेडियन। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, इसमें हमारा जो ओए है वो हमारा प्रारंभिक भुजा है, ओए प्रारंभिक भुजा है तथा ओ बी अंतिम भुजा है, वो भी अंतिम भुजा है। तो हम लोग 1 रेडियन को क्या लिखेंगे कि इकाई वृत्त, इकाई वृत्त, इकाई वृत्त का मतलब कि त्रिज्या 1 इकाई, त्रिज्या कितनी हो, 1 इकाई, इकाई वृत्त
इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन माप कहते हैं। यानी एक इकाई लंबाई का वृत्त में एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है वही हमारा क्या हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है। यानी अगर एक इकाई लंबाई की त्रिज्या में जो है त्रिज्या वाले वृत्त में 2 इकाई लंबाई का अगर चाप लेंगे, 2 इकाई लंबाई का चाप लेंगे तो जो कोण होगा हमारा वो क्या होगा, 2 रेडियन होगा। ये हम लोग ओ ए, ये त्रिज्या हमारी कितनी है, 1 इकाई, और हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोगों ने कितना ले लिया, ये 2 इकाई चाप की लंबाई कितनी है, ये हमारा 2 इकाई है, तो ये जो कोण बनेगा हमारा ये क्या होगा, 2 रेडियन होगा। और ये अगर घड़ी के विपरीत दिशा में है तो धनात्मक होगा, धनी घड़ी की जो है सुई की दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया रेडियन का। तो सिंपल सा अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक इकाई चाप का जो है ये 1 रेडियन बनाता है तो पूरा चाप कितना बनाएगा, ये पूरा जो है पूरा ये चाप जो है केंद्र पे कितना, यानी एक चक्कर का अगर पूरा देखें तो ये कितना कोण होगा, एक चक्कर जो होगा पूरे चाप की लंबाई जो वृत्त का परिध होता है, वृत्त का जो परिध होता है हम लोग जानते हैं, वृत्त की जो परिध की लंबाई होती है वो क्या होता है, 2 पाई आर, यानी त्रिज्या। और त्रिज्या अगर हमारा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि आर बराबर क्या है, 1 इकाई है। यानी यहां पे अगर पूछा जाए कि पूरे चाप द्वारा यानी एक चक्कर में बना कितना कोण होगा तो एक चक्कर में पूरा बना कोण कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि एकांक लंबाई का जो है चाप 1 रेडियन बनाता है, 2 इकाई लंबाई का चाप 2 रेडियन बनाएगा, तो 2 पाई यानी हम लोग कहें 2 पाई लंबाई के चाप, यानी हम लोग क्या कहें कि पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। यानी अगर वृत्त की त्रिज्या 1 हो तो उसपे 1 लंबाई का जो है चाप 1 रेडियन, 2 लंबाई का चाप 2 रेडियन, 3 लंबाई का चाप 3 इकाई लंबाई का चाप 3 रेडियन, और पूरे चाप अगर पूरा एक चक्कर की बात करी जाए तो एक चक्कर जो होगा ये पूरे वृत्त की परिध की लंबाई हो जाएगी, और वृत्त की परिध क्या होता है, 2 पाई इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या 1 इकाई है तो पूरे परिध की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई, यानी 2 पाई लंबाई यानी पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा हमारा, 2 पाई रेडियन। सिंपली हो गया हमारा 2 पाई रेडियन। यानी एक चक्कर बराबर हम लोग कह सकते हैं कि जो एक चक्कर कोण होता है पूरा एक चक्कर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। यानी वहां पे हमारा क्या था कि एक चक्कर हमारा 360 डिग्री के बराबर था, अगर रेडियन में हम लोग देखेंगे तो एक चक्कर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर कोण हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हम लोगों का हो गया, हम लोगों ने क्या देखा कि रेडियन माप। अब हम लोग जो है या रेडियन माप को ऐसे भी हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हमारा ये हमारा वृत्त की त्रिज्या आर है, ये ओ ए हो गया और ये ओ बी हो गया और ये आर लंबाई का चाप है, यानी आर त्रिज्या के वृत्त में आर लंबाई के चाप द्वारा जो बना कोण होता है वो क्या होता है, 1 रेडियन। यानी सिंपली ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप जितना कोण केंद्र पे बनाता है वही हमारा क्या होता है, 1 रेडियन। तो इसको हम लोग लिख लें कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर
चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, यानी आर लंबाई का चाप अगर है तो कितना कोण होगा? एक रेडियन। एक रेडियन आर लंबाई का चाप। तो पूरे चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर पूरे चाप की लंबाई। तो पूरे वृत्त द्वारा यानी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा? आर लंबाई का चाप 1 रेडियन, तो 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो 2 पाई आर लंबाई का चाप बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 पाई रेडियन सिंपली हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी एक चक्कर बराबर हमारा जो आया था 2 पाई रेडियन, ये हो गया हमारा। यानी पूरे एक चक्कर में कितना कोण बनेगा हमारा? 2 पाई रेडियन। अब एक पॉइंट इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपका कहीं पे जो है, अगर आपका कहीं पे कोई वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है, और इसमें पूछा जाए कि कोई चाप है हमारा जो एल लंबाई का है, एल लंबाई का चाप है, ये कितना रेडियन कोण बना रहा है? ये कितना रेडियन? तो इसको हम लोग अभी क्या मान लेते हैं? थीटा। तो हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि आर त्रिज्या के वृत्त में, आर त्रिज्या के वृत्त में एल लंबाई के चाप द्वारा बना कोण। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आर लंबाई होता, आर लंबाई का चाप होता तो कितना बनाता? 1 रेडियन, क्योंकि आर लंबाई का चाप यानी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप 1 रेडियन बनाता है। तो आर लंबाई का चाप होता तो कितना बनाता? 1 रेडियन। और वृत्त का समान लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पे समान कोण अंतरित करता है, यानी एक एक नियम इसमें हम लोग लगा देते हैं। तो अगर एकांक लंबाई का चाप होता तो कितना कोण बनाता? 1 बाई आर रेडियन बनाता। और एल लंबाई का चाप है तो एल लंबाई का चाप हमारा कितना कोण बनाता है? एल लंबाई का चाप एल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो एल बाई आर रेडियन, यानी जो हमारा कोण थीटा हो गया जो हमको चाहिए ये एल बाई आर रेडियन। और ये थीटा हमारा किस में आएगा? ये रेडियन में रहेगा। यानी अगर किसी भी वृत्त में पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या आर है और उसमें एल लंबाई का कोई चाप है तो वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनाया होगा? तो एल वाई आर। और इसी को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये आप लोग जो हमेशा पढ़ते आते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। लेकिन ये कोण किस में होगा? ये रेडियन में होगा। कोण हमारा किस में रहेगा? ये रेडियन में। एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों ने सिंपली क्या देखा कि कोण के जो है, कोण होता क्या है और कोण का मात्रक क्या होता है। तो कोण, दो कोण हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा। कोण का मात्रक एक डिग्री माप और एक रेडियन माप। और डिग्री माप क्या होता है, रेडियन माप क्या होता है, ये पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग डिग्री माप और रेडियन माप में जो है, इसके बाद जो है संबंध देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।